बहरेच में हुई घटना के बाद प्रदर्शन और मीडिया पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरेच के दंगों के बीच मीडिया ने झूठी खबरें समझ में परोसकर आग में घी डालने के काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दशहरे के दिन जब बहरेच में कई लोगों की भीड़ जब समुदाय विशेष बुलाहुल्य इलाके से मूर्ति विसर्जन करने जा रही थी, तब भीड़ को एक घर के ऊपर हरा झंडा दिखाई दिया, जिसके बाद मृतक राम गोपाल उस घर पर चढ़ गया था। लोग खुशी से जय बजरंगबली के नारे लगाने लगे। फिर गोपाल ने ग्रीन झंडे को उखाड़ फेंका था, उस घर की दीवार का हिस्सा भी तोड़ दिया था, फिर वहां भगवा झंडा लहराने लगाया था, जिसके बाद नीचे खड़ी भीड़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आरोप ये भी है कि उस घर से पथराव किया गया था। आरोप ये भी है कि भीड़ द्वारा विवादित धार्मिक भावना को आहत करने वाले गाने बजाए जा रहे थे। अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वहां उस वक्त पुलिस प्रशासन मौजूद था? अगर था तो उसने घर में घुसकर उत्पत मचाने की प्रशासन ने इतनी छूट कैसे दे दी? अगर पुलिस प्रशासन नहीं था तो बिना पुलिस के विसर्जन के लिए निकली भीड़ को कैसे निकलना दिया गया? इसी बीच जिस घर पर राम गोपाल चढ़ा था, उसी घर के सरफराज नामक सदस्य ने नीचे से गोली चलाकर राम गोपाल की हत्या कर दी थी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। और एक दूसरे वीडियो में हत्या करने वाले उसी घर का आरोपी सरफराज भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच कई लोगों ने झूठा दावा करते हुए ये भी कहा था कि गोली नीचे खड़ी हिंदुओं की भीड़ द्वारा चलाई गई थी। ये झूठा दावा सरासर गलत है। इसी बीच कई मीडिया चैनल्स ने देश भर में दंगा भड़काने के उद्देश्य से झूठी खबरें चलाते हुए कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि राम गोपाल का अपहरण करके उसे टॉर्चर किया गया था, उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था, उसके सारे नाखून उखाड़ कर उसे टॉर्चर किया गया था। इस झूठे दावे के वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। मीडिया के ये झूठे दावे के बाद खुद पुलिस ने सफाई देते हुए कहा था कि राम गोपाल को सिर्फ गोली मारी गई थी। टॉर्चर करने, करंट देने, नाखून उखाड़ने वाली सारी बातें सिर्फ अफवाह है। हालांकि जो हत्या का वीडियो भी सामने आया था, उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि राम गोपाल गोली लगते ही गिर पड़ा था, उसके आस पास कोई खड़ा नहीं था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर गोली के छारों के जख्म थे और ज्यादा खून बहने की वजह से राम गोपाल की मौत हुई है। गोपाल की हत्या की घटना की खबर सुनते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथों में हथियार लिए समुदाय विशेष के घरों को निशाना बनाने के लिए निकल गई थी। भीड़ में नाबालिग बच्चों से लेकर बूढ़े लोग तक शामिल थे। जैसे वीडियो सामने आई है, उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भीड़ का सहयोग करते दिखाई दे रही है। हिंसक भीड़ हथियार लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से छूट दिए हुए थे। भीड़ में कई घरों, दुकानें और शोरूम्स को भी निशाना बनाते हुए आग लगा दी थी। समुदाय विशेष के लोग घर छोड़कर भागने लगे थे। कई महिलाओं के साथ भीड़ ने बदतमीजी भी की थी, ऐसा भी आरोप है। पुलिस ने काफी लंबे समय तक भीड़ को छूट दे रखी थी, फिर काफी लंबे समय बाद भीड़ पर काबू करने के लिए कोशिश की गई। इस घटना क्रम के बाद जिस घर पर गोपाल चढ़ा था, जहाँ उसकी हत्या की गई थी, उस घर के सभी मर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे दो लोगों का पुलिस ने एनकाउंटर भी किया था, दोनों के पैरों में गोली लगी थी, लेकिन मीडिया ने एनकाउंटर में मौत की झूठी खबर फैलाई दी थी। पुलिस का कहना है कि वो राम गोपाल की हरिया के आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करेंगे। तभी बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भले ही राम गोपाल की हत्या को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसके हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। भले ही राम गोपाल जबरदस्ती घर पर चढ़कर धार्मिक झंडा तोड़ रहे थे, लेकिन उसकी सजा मौत नहीं हो सकती। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि उस हिंसक भीड़ के खिलाफ कौन से सख्त एक्ट लगाए जाएंगे, जिस भीड़ ने कई समुदाय विशेष के घरों को जलाया। हिंसा की क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगी, जैसे राम गोपाल की हत्या के आरोप और उसके आसपास के समुदाय विशेष के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने वाले हैं, या सरकार एक तरफा कार्रवाई कर हिंसक भीड़ का हौसला बढ़ाएगी? आगजनी और हिंसा के मामले में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि पुलिस हिंसा करने वालों से ज्यादा जो काम काज करने वाले लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करके सिर्फ नंबर
बढ़ा रही है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। सबसे पहले हम उस नफरत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के का की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थीं और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स।